सूर्यदेव का गोचर अभी मिथुन राशि के अंदर और उसका परिणाम स्वाभाविकतः किस प्रकार आने वाला है। मिथुन राशि काल पुरुष का कुंडली में तृतीय स्थान पराक्रम स्थान का होता है। मिथुन राशि का अधिपति स्वयं बुध ग्रह बुध देव और तृतीय स्थान पराक्रम का स्थान भात्र स्थान और यह कालपुरुष कुंडली के मिथुन राशि में सूर्य जब भी आते हैं तो सूर्य जहां बैठते हैं या जिस जगह में उनका पराक्रम होता है स्वाभाविक बात है उसका शक्ति को बढ़ा देते हैं। तो मिथुन राशि में आने के कारण लोगों के अंदर पराक्रम बढ़ना स्वाभाविक बात है और मिथुन राशि में जो भी कारकत्व है जिस जिस व्यक्ति का जो भाव में आता है उन शक्ति उन क्षेत्र में सूर्य का प्रभाव आएगा। सबसे पहला यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि सूर्य जब भी मिथुन राशि में आते हैं तो मिथुन राशि स्वाभाविक बात है इस समय हमारे उड़ीसा में रजत संक्रांति का पालन किया जाता है और इन समय में ऋतु परिवर्तन का भी एक सबसे बड़ा प्रासंगिक स्थिति और समय होता है। इस समय में वैशाख यानी धूप का माह खत्म होके वर्षा ऋतु का आगमन होने लगता है और जब भी सूर्यदेव आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र में जब भी सूर्य का प्रवेश होता है तो स्वाभाविक बात है कि धरती में स्पेशली भारत भूखंड में बारिश का आगमन होना चालू हो जाता है। मिथुन राशि स्वाभाविक बात है व्यक्तियों के अंदर मनुष्य के अंदर एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन है मिथुन राशि कम्युनिकेशन को भी संज्ञा करता है तो इसीलिए सूर्य यहाँ आने के कारण आप इस समय कम्युनिकेशन का स्तर दूसरे स्तर से ज़्यादा बढ़ेगा यानी बारिश कम्युनिकेशन प्लस सबसे बड़ा काम मिथुन राशि में सूर्य होने का वो यह है कि ये स्मॉल डिस्टेंस विजिट यानी निकट यात्रा को भी दिखाता है। तो सूर्य आने के कारण अभी आप देखोगे ट्रेन टिकट प्लेन टिकट यात्रा में बढ़ोतरी साथ में ये तीर्थयाटन और तीर्थयात्राओं को भी इस समय आप बढ़ते हुए देखोगे और ये संक्रांति में सबसे बड़ा तत्व तो ये होता है कि हमारे पूरी जगन्नाथ जी मंदिर में जगन्नाथ जी को जो महास्नान होता है उसके बाद उनको अभी 9-10 दिन के लिए बुखार हो जाएगा तो उनको बुखार का ट्रीटमेंट होगा और ये रज संक्रांति का महत्व स्वाभाविक बात है इस मिथुन राशि में सबसे ज़्यादा परिलक्षित होता है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण विषय बिंदु स्वाभाविक बात है होता है। ये मिथुन राशि में सूर्य आना और सूर्य का जो प्रभाव है ये यूनिवर्सल लेवल पे होने के साथ साथ जिनका जिस भाव में ये मिथुन राशि आता है उसके तहत लोगों को समाज को और व्यक्ति विशेष को कुंडली में उसी प्रकार के प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। अगर सूर्य का स्थान किसी का अष्टम स्थान का हो रहा हो
यानी मिथुन राशि किसी का अष्टम में है और सूर्य वहां आ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कष्टप्रद तो रहेगा, लेकिन अष्टम का जो भी गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान और ऑकल्ट साइंस है, इन सब का भी बहुत मात्रा में बढ़ना ये भी स्वाभाविक तो दिखाई दे रहा है।